मशहूर हूँ आप सबकी तालीओ का मोहब्बत का मगर सच कहूँगा मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता कोशिश करूँगा कि मेहनत इतनी कर सकूँ कि आप सबकी मोहब्बत और इज्जत के लायक बन सकूँ मेरी माँ जुबैदा से गंदर अक्सर कहा करती थी कि इंसान और सियासतदान में बुनियादी फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जब कोई इंसान गलती करता है उसका खमियाजा उसके घर वाले और उसके हमसायों को भुगतना पड़ता है और जब एक सियासतदान गलती करता है उसका खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ता है मैं दिल पे हाथ रखकर कहता हूं मैंने आज तक अपनी माँ से ज्यादा कभी किसी से मोहब्बत नहीं की मैं अपनी माँ की कसम उठाकर कहता हूं इस पार्टी में शामिल होने की वजह कोई लालच नहीं है मैं इकतदार के मज़े लूटने नहीं आया हूं यहां पर मैं उसी विज़न को आगे लेकर चलना चाहता हूं जो मेरी माँ का विज़न था मगर बदकिस्मती से जब इस मुल्क के हालात देखता हूं तकलीफ़ देखता हूं बेरोज़गारी देखता हूं महंगाई देखता हूं हॉस्पिटल्स में लाइंस देखता हूं कि लोगों के पास पैसे नहीं है वसाइल नहीं है इलाज कराने के और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एजुकेशन जिसपे आज तक कभी किसी ने बात नहीं की और यही मेरी माँ का विज़न था और यही कोशिश मेरी है कि मैं उसी चीजों को आगे लेके जाऊं और यही सवाल मैं खुद से पूछता हूं कि हम इस मुल्क को क्या दे रहे हैं इस मुल्क को कहां लेकर जा रहे हैं अगर कोई मुझसे कहेगा बर्बादी की तरफ तो खुदा की कसम शामिर से अंदर मर तो सकता है लेकिन इस मुल्क को आबाद देखने के बाद और आखिर में कुछ अहम ऐलाना करना चाहता हूं क्या आज से मेरी पार्टी का कोई भी मिनिस्टर सरकारी गाड़ी या सरकारी अलाउंसेस को इस्तेमाल नहीं करेगा हर फैसला सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर लिया जाएगा मुझ समेत अगर मेरी पार्टी का कोई भी मिनिस्टर इन रूल्स के अगेंस्ट जाएगा उसके खिलाफ सबसे पहले एक्शन मैं लूंगा चाहे वो मैं ही क्यों ना हो बेश माजी में जो कुछ भी हुआ है मैं उसके गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहता ना आप लोगों का ना अपना वक्त बर्बाद करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बातों से ज़्यादा मेरे काम को देखकर मुझ पर भरोसा करें और उसी हिसाब से मेरी पार्टी को वोट दें